बिहार परिवहन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर से टाटा के लिए लग्जरी बस की सेवा शुरू की गई। परिवहन विभाग द्वारा जिलावासियों के लिए नई सौगात दी गई। अत्याधुनिक लग्जरी बस को टाटा नगर के लिए शुरू किया गया। नई बस का शुभारंभ जिलाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस सेवा टाटा नगर भाया पटना और रांची होते हुए जाएगी। इस बस में सीसीटीवी कैमरे के साथ यात्री के मनोरंजन के लिए स्मार्ट टीवी लगाया गया है। मुजफ्फरपुर से टाटा नगर का किराया 830 रुपए निर्धारित किया गया है, जो निजी बस के किराए से काफी कम है। डीएम ने बताया कि इस बस की शुरुआत से आम लोगों को राहत मिलेगी। राज्य परिवहन के द्वारा दो बस सेवाओं की शुरुआत की गई है। शाम के 4 बजे इसका समय रहेगा और मुजफ्फरपुर से पटना होते हुए रांची होते हुए टाटा नगर जाएगी और इसी समय में वहां से टाटा नगर से चल करके सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। तो इस की सेवा शुरुआत की गई है और लगातार कई सेवाओं की शुरुआत पिछले 2 वर्षों में यहाँ से की गई है। उम्मीद करते हैं कि यात्री सुविधाओं के दृष्टिगत और भी नए नए चीज़ें स्थापित की जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि यह सफल प्रयोग सिद्ध होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर से इसके पहले यहां से इस तरह की सुविधा नहीं थी। तो निश्चित रूप से यात्रियों को इसका काफ़ी फायदा है। आने वाले समय में सब परिवहन विभाग और यात्री सुविधाओं का किस तरह से ख्याल रखने वाली जी? बिल्कुल, एक तो बसेस की सेवाएं शुरुआत की जा रही हैं। बसेस को हाईली जो एक तरह से टेक्निकल जितनी भी गतिविधियाँ हो सकती हैं उसकी नहीं हैं, इसमें पूरी तरह से वातानुकूलित बस की सुविधा दी जा रही है। आज के दिन हम लोग ने ये मुजफ्फरपुर से टाटा रूट के लिए हम लोग ने AC बसों का परिचालन प्रारंभ किया है, जो कि यहाँ से मुजफ्फरपुर से खुलते हुए ये पटना होते हुए बिहार शरीफ होते हुए हजारीबाग होते हुए रांची होते हुए ये टाटा जाएगी। ये पर डे यहाँ से 4 बजे खुलेगी। इसमें हम लोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी टिकट सुविधा दी हुई है। अगर कोई व्यक्ति पैसेंजर चाहे तो इसमें ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ने सुविधाओं के मद्देनज़र हम लोग ने हर सीट के नीचे जो है USB पोर्ट दिया है, जिससे पैसेंजर जब चाहें तो अपने मोबाइल लैपटॉप जो भी है वो चार्ज कर सकते हैं। महिलाओं और पैसेंजर के लिए हम लोग ने खास इसमें इंतज़ाम रखा है, जिसमें कैमरा लगे हुए हैं, जिसमें वो टाइम टू टाइम वो हमेशा रिकॉर्डिंग होता रहेगा कि अंदर में क्या गलतियां हो रही हैं या किस तरह का मिसबिहेव चल रहा है या किस तरह का बर्ताव है हमारे स्टाफ का, ये भी हमें पता चलता रहेगा। आगे भी इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? हम लोग लगातार दूसरे स्टेट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग ने गोरखपुर के लिए भी परमिट ले लिया है और उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिनों में हम लोग UP भी गोरखपुर भी गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करेंगे और रांची और झारखंड को हम लोग बिहार से जोड़ने के लिए और भी बसों का देख रहे हैं कि किस तरह से उस रूट में हम लोग और भी बसें बढ़ाएं। राज्य परिवहन के द्वारा दो बस सेवाओं की शुरुआत की गई है। शाम के 4 बजे इसका समय रहेगा और मुजफ्फरपुर से पटना होते हुए रांची होते हुए टाटा नगर जाएगी और इसी समय में वहां से टाटा नगर से चल करके सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। तो इस की सेवा शुरुआत की गई है और लगातार कई सेवाओं की शुरुआत पिछले 2 वर्षों में यहाँ से की गई है। उम्मीद करते हैं कि यात्री सुविधाओं के दृष्टिगत और भी नए नए चीज़ें स्थापित की जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि यह सफल प्रयोग सिद्ध होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर से इसके पहले यहां से इस तरह की सुविधा नहीं थी। तो निश्चित रूप से यात्रियों को इसका काफ़ी फायदा। आने वाले समय में सब परिवहन विभाग और यात्री सुविधाओं का किस तरह से ख्याल रखने वाली जी? बिल्कुल, एक तो बसेस की सेवाएं शुरुआत की जा रही हैं। बसेस को हाईली जो एक तरह से टेक्निकल जितनी भी गतिविधियाँ हो सकती हैं उसकी नहीं हैं, इसमें